जी मुबशर लुकमान साहब, आपने मेरी बात ही क्या काट कह दी थी। रहे हैं? देखे ना कितने दुख की बात है, आप और साफी साहब मिल गए हैं हाँ और मेरी मुबशर बात लुकमान काट दी साहब, आपने, बीच में ब्रेक भी ले ली। हम मिल गए थे, बिल्कुल हम पार्टी आप बन गए देखे थे ना, आपके खिलाफ। नहीं, आपको वो एक आपको मैं ब्रेक वाकई बताऊं, आ गई थी। आप मेरे चलो आगे, खिलाफ मेरे भी, हिस्से का टाइम है मुबशर। आप चलिए, ये समझ आप लें, मुबशर लुकमान साहब बात मुकम्मल आप कर लें, नहीं, फिर मैं आगे बात आप करूंगी। एक, मैं एक जुमला बताऊं, आप लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत की इतनी मोहब्बत का जो इजहार कर रहे हैं, तो जरा आपको कुर्बानियां दें, जो पिछले 70 साल से लूट मार होती रही है उसके ऊपर आपने, हमने, सबने आंखें बंद करके बैठे हुए थे। अब वो जो है ना हमारे अंदर से निकल रहा है वो गंद बला सारा, तो निकलने दें, एक दफा ये सफाई हो जाएगी इंशाल्लाह, 1 साल तक हालात भी ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको एक बात कहूं, बड़ी बड़ी जाहिर सिंपली, बात है, ज्यादा अरसा ये मुशर्रफ ने गवर्नेंस किया के था, हमने ऊपर उस पर आंखें जरूर बंद इश्यूज की हैं थी। जियाउल हक ने किया था, हमने उस पर आंखें बंद की थी। सर। ये सर बात ठीक जी, है। आपने आपने तो आपने तो नून लीग के ऊपर कितनी आंखें बंद की, आपको तो पता भी नहीं चला कब उन्होंने पासपोर्ट बार के ले लिए, कब उन्होंने बार अपार्टमेंट्स ले लिए, आपको तो जो है पीपल्स पार्टी के दौर में भी नहीं पता चला। जब एमएमए वहां पे केपीके में जो अपना वहां सब कुछ दे रही थी वो मुबशर, तब भी नहीं मेरे आपको बारे में नजर भी ये आया कहते वहां हैं कि पे। मैंने नून सर के बारे सबर में करें ना, आंखें बंद की, सबर करें ना, मैंने कि आप मैंने सबर नून करें की। ना, आप देखे ना अच्छा, हमारे भी जज्बात है और ये साफी नवाज शरीफ साहब, को लीडर किसने आप बनाया इतने था यार? आपको मैंने कहा, इरशाद इरशाद। आप मेरे इतने काबिले एहतराम भाई हैं, आपको मैं कर्ज करता हूं कि आप जितने जमहूरियत पसंद लोग पहले हैं, जो भुट्टो साहब थे वो कन्वेंशनल मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी थे, वो तो आप कभी नहीं जिक्र करेंगे। अयूब खान की पार्लियामेंट में 2 वजारतें रही उनके पास, उसका आप नहीं जिक्र करेंगे। चल नवाज शरीफ जो है जनरल जियाउल हक के पीछे फिरते थे हाथ उठा उठा के, उनकी अचकन उठा उठा के, वो तो नहीं आप जिक्र करेंगे। अब रह गया इमरान खान बेचारा। अब आपको मैं एक बात बता दूं, इमरान मुझे खान का पता था कि वो प्रॉब्लम भी पता है इनकी क्या तरह है? उनकी पैदावार है, इसलिए कभी ना नवाज शरीफ की उसका हिमायत मैंने प्रॉब्लम नहीं जो है की। ना, उसका प्रॉब्लम है कि वो सियासतदान है नहीं ट्रेडिशनल किस्म का, ना उसका बाप कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, ना वडेरा है, ना जागीरदार है, एक मिडिल क्लास का आदमी है जो ऊपर आ ओके गया है। तो आपको और हमें अभी हजम करने में टाइम लग रहा है, थोड़ा सा टाइम दे ठीक है, दें, चले इंशाल्लाह आप बहुत बेहतरी वो होगी। आगाज में आपने जो ऑफर ठीक की थी ना, ठीक वो साफी साहब की ठीक मुलाकात, वो बस जरूरी हो ठीक गई है। मैं आगे बढ़ती हूँ और है।